नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भैयू जी महाराज आत्महत्या केस में इंदौर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और शिष्या पलक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इन तीनों को 6-6 साल की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भैयू महाराज आत्महत्या मामले में इन तीन लोगों को दोषी माना गया है। बता दें कि 12 जून 2018 को भैयू जी महाराज ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने तीनों को भैयू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना है। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी महाराज को पैसे के लिए प्रताड़ित करते थे। कोर्ट ने तीनों को आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत दोषी माना है। इसमें पलक उनकी शिष्या हैं, वहीं विनायक उनका सेवादार और शरद ड्राइवर था। तीनों आरोपियों को पुलिस ने साल 2019 में जनवरी में गिरफ्तार किया था। तब ये जानकारी सामने आई थी कि तीनों मिलकर भैयू महाराज का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। भैयू महाराज ने भी अपने नोट में विनायक का जिक्र किया था, क्योंकि वो भैयू जी का 16 साल पुराना वफादार सेवक था, जिसके बाद जांच में उनके करीबी ही उनके दुश्मन निकले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।